मौसम गड़बड़ लग रहा है। नहीं ये तो ऊपर से थोड़ा सा अंदर गई। नहीं बेटा भैया, क्या हो गया? यहाँ पे मम्मी बनवा रही है मेथी मलाई मटर और यहाँ पे दीदी तैयारी कर रही है। दीदी क्या क्या डाली है इसमें बताइए। इसमें प्याज डाले, जीरा डाले, प्याज डाले और मिर्ची डाले, काजू डाली है ये, और क्या इसमें ये टमाटर डाली और ये मेथी भून के रख रही हैं। इसका पानी निकाली कड़वापन निकल जाएगा, फिर इसके बाद बनेगा मेथी मलाई मटर। और ये दीदी हैं, इनका नाम आरती है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये है मटर और ये मटर आया है, मैंने मंगाया है। और यहाँ पे अक्षरा सो रही है। नहीं, मटर आई हुई है, तो मैं चलती हूँ उसको मटर को छीलने। अब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अक्षरा स्कूल आ गई है लेकिन थोड़ी जल्दी आ गई है, जैसे मम्मा के साथ गोदू में बैठी हुई है। ये देखो मेरी मम्मा। हाँ, ये देखो मेरी क्यूट। आप सब लोग क्यों नहीं करते मम्मी के व्लॉग को? क्या नहीं करते? सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब करो भाई, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये बाय बाय। सबमें आंसर 8-8 हो रहा है। जो आंसर आएगा वही लिखेंगे ना आप? लेकिन सिर्फ 8 आ रहा है। चलिए काउंट करिए और लिखिए। यहाँ अक्षरा बैठ के पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि मंडे को इनका मैथ का पेपर है। शायद इसमें ना आए। चलो काउंट करो, लिखते जाओ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक विंटर स्पेशल थाली में शेयर करी। सिंपल सी है ये, बट मैं आज आपके साथ दो जो है सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी मैं जो है दाल बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने देखा कि हल्दी के डिब्बे में से हल्दी ही गायब हो गया है। मैंने कहा लो ख़त्म हो गया, तो बस मैं उसको हल्दी अभी उसमें उसके अंदर भरूँगी और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी आज बहुत अच्छी दो सब्जी। एक तो मैं बना रही हूँ आलू मेथी की और एक मैं बनाऊंगी कुरकुरी भिंडी। और ये दोनों सब्जी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जो है आलू मेथी मेरे यहाँ इनको बहुत पसंद है, भिंडी अक्षरा भी बहुत शौक़ से खाती हैं, तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ बना रही हूँ कि जो मेरे ख्याल से भिंडी तो सभी को पसंद आती है, भिंडी हर कोई खाना पसंद करता है। भिंडी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ सब्जी है ना जो मोस्टली लोगों को पसंद आती है। तो बस फटाफट मैं अभी इसमें हल्दी भरूंगी, फिर उसके बाद फिर मैं मसाले वाले डिब्बे में हल्दी को भी फिल करके रख दूंगी। फिर मैं बना रही हूँ, मैंने सिंपल सी मैंने अरहर की दाल बनाई है जिसको मैंने सिर्फ देसी घी डाला है, मतलब मैं उसे कोई तड़का बड़का नहीं लगा के सिंपल सी दाल। मेरे यहाँ ना तड़के वाली जो एकदम मसाले वाली होती है या तो वो पसंद की जाती है या तो सिंपल सी दाल ऐसी, तो वो तड़के वाली दाल तो आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हो। तो मैंने सिंपल सी दाल बनाई है देसी घी डाल के, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है दाल खाने में। मेरे यहाँ अक्षरा को भी बहुत पसंद है, इनके पापा को भी पसंद है, तो वो वही दाल मैंने बनाई है, अरहर की दाल, रोटी और कुरकुरी भिंडी, आलू मेथी की सब्जी। और मतलब मैंने ये थाली बनाई है विंटर स्पेशल थाली और ये सिंपल सी, ये मोस्ट लोगों को पसंद आ जाएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेथी लिया है, अब मैं मेथी को अच्छे से छाट लूँगी। इसमें मेन क्या होता है मेथी को ना, मेथी को जो उसके पत्ते होते हैं बस वही यूज़ करने चाहिए, वो जो उसकी डंडी होती है ना, कुछ कुछ तो सॉफ्ट होती है तो चलिए आप डाल भी सकते हैं, बट जो मोटे वाले होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर वो जब खाते समय मुँह में आते थे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, चाहे वो सॉफ्ट वाले हो चाहे वो मोटे वाले हो, मैं सिर्फ पत्ती ही निकाल के रखती हूँ, पत्ती ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे डंठल उसकी एक्चुअली पसंद ही नहीं आती है।
मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हो। मैं लोहे की कढ़ाई बना रही हूँ तो मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च कट करके डाली है और इनको थोड़ा सा ना रेड होने तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद मैंने मेथी और आलू कट कर लिए हैं, इनको हम डालेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। अभी देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है, इतनी जल्दी गलता है मेथी। मेथी पालक कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस हम यहाँ थोड़ी देर इसको भूनने के बाद जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मतलब मेथी जो है थोड़ी कम हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके इनको हम जो है स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से मैंने देखा है ना मेथी बहुत लोग ना सॉफ्ट वाली खाते, बट मेरे यहाँ ना बहुत ही इस तरीके से जब कुरकुरी करारे टाइप की मेथी हो जाती है ना तो इसका उसका कड़वापन भी निकल जाता है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। बस कुछ नहीं, इसको आप स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ऐसे करके आप बनाते रहिए तो ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अच्छी बनती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी डन हो गई। अब मैं इसी कढ़ाई में ना भिंडी में बनाऊँगी। तो ये भिंडी को मैंने ना बीच में से कट कर लिया, ये देखिए हमारी कितनी अच्छी लग जाने मेथी की सब्ज़ी। तो मैं इसी कढ़ाई में रिफाइंड डालूँगी और मैंने देखिए ये बीच में से ना भिंडी को ऐसे कट कर लिया है और उसके बाद इसको हम जो है मस्टर्ड ऑयल में ही इसको भी बनाएंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से, थोड़ा मतलब कलर आ जाने तक रेड, थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी इस पर वो रेड कलर टाइप का आने लगता है ना, लगता है कि हाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। तो थोड़ी देर इसको हम रखेंगे, नमक अभी ऐड नहीं करेंगे नहीं तो भिंडी बहुत जल्दी चिपचिपी होती है, बहुत जल्दी नमक पानी अगर आप नमक डालोगे ना पानी छोड़ देगा। तो थोड़ी देर हमें इसको मीडियम फ्लेम पर, ये स्लो फ्लेम पर नहीं, ये मीडियम फ्लेम पर ही बनेगा और हमें इसको बस बीच बीच में चलाते रहना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी भिंडी, देखिए थोड़ी थोड़ी कुछ भिंडी में रेड कलर आ गए हैं तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर यूज़ करेंगे और ये थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये कुरकुरी हमारी मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। बस इसको ना बस मीडियम फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए और ये लोहे की कढ़ाई में मतलब बहुत ही बढ़िया बहुत ही करारी बनती है और मैंने देखा कि चिपकती भी नहीं है। आप वैसे ना लोहे की कढ़ाई में कुछ कुछ सब्ज़ियाँ तो वाकई में बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी इसी में बनाई है और इसको अभी हम नमक वमक डाल के सारे मसाले जो होते हैं वो मैंने डाले। अब इसको थोड़ी देर हम मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर और छोड़ देंगे जब तक ये थोड़े से रेड ना हो जाए, थोड़ी सी करारी ना हो जाए। इसमें मैंने कोई बेसन ऐड नहीं किया कुछ, बहुत लोग इसमें बेसन डाल देते हैं, चावल के आटे को भी थोड़ा सा ऊपर से ऐसे डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं तो बनाते हैं, बट मैंने ऐसे ही जो है बनाए। देखिए कितनी करारी करारी हो गई है और मैं आगे ना भी आपसे भिंडी की एक रेसिपी होती है फ्राई करके जो बनती है, मैं वो भी बनाऊँगी आपके साथ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको ज़रूर उसके साथ मतलब वो वीडियो में जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, आलू मेथी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने दाल राइस रोटी गरम गरम मैंने रोटी बनाई है और यहाँ पे मैं मूली के साथ सर्व करूँगी। मैंने चटनी बनाई थी बट ना वो चटनी की वीडियो में ले नहीं पाई, बट मैंने यहाँ पे चटनी भी साथ में रखा है और यहाँ पे बस मैं देसी घी डालूँगी दाल में क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ना, क्योंकि और मैं बता रही हूँ मैं अरहर की दाल ना मैंने अरहर की दाल में मैंने एक टमाटर भी डाला था जब मैं दाल बना रही थी उसमें, तो टमाटर अच्छे से गल गए थे और मैं हमेशा दाल में अरहर की दाल जब भी बनाती हूँ मैं टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है, अब उसके बाद मैं अपनी जो कुरकुरी करारी भिंडी बनाई है वो सर्व करूँगी और ये गरम गरम आप जो है खिलाइए। और ये बहुत सिंपल सी थाली विंटर स्पेशल मेरी तो सिंपल सी थाली है ये, और आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये थाली आप ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको थाली।